खबर धामपुर जनपद बिजनौर से। कांग्रेस प्रत्याशी हुसैन अहमद अंसारी ने धामपुर नगर में जनसंपर्क कर मांगे वोट। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी ने धामपुर विधानसभा क्षेत्र में किया तूफानी दौरा, लोगों से कांग्रेस को वोट करने की अपील। हुसैन अहमद अंसारी ने कहा, यदि इस बार जनता मुझे मौका देती है तो विकास की गंगा बहा दूंगा। वहीं कांग्रेसी नेता राजेंद्र सिंह चौहान ने कहा, हुसैन अहमद अंसारी बहुत पुराने कांग्रेसी नेता हैं और कई बार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने भी जनता से कांग्रेस को वोट करने की अपील की है। उनके साथ सुधीर कुमार, एडवोकेट डॉक्टर सुमन, डॉक्टर एजे चंदन, राजेंद्र चौहान, जसराम सिंह आदि दर्जनों कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। राजेंद्र जी, धामपुर विधानसभा क्षेत्र से हुसैन अंसारी को टिकट हुआ है और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, हुसैन अंसारी साहब बहुत कांग्रेस के वफादार आदमी रहे हैं। 6 बार ये चुनाव लड़ चुके हैं, 1996 से चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी है। बड़े जनता में सेवा की है, कोरोना काल में भी लोगों को इन्होंने बहुत मदद की है और हरेक के लिए कंधे से कंधा मिला करके साथ रहते हैं। इसलिए हमारी कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी सोच समझ करके इन्हें ये टिकट दिया है और निश्चित रूप से इनकी जीत होगी, क्योंकि जो कांग्रेस के असूल हैं, जो कांग्रेस के कार्य हैं, उन पर ये हमेशा चलते रहे हैं और इस क्षेत्र की जनता की सेवा करते हैं। धामपुर विधानसभा क्षेत्र से आपको कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए, क्या मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यही है कि आज जो स्थिति हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बनी हुई बीजेपी का दमनकारी नीति है और हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने, चाहे वो नेटोर का जो गोलीकांड हुआ या हाथरस का महिला के साथ जो अपहरण किया गया, हम लोग उसको रोकने के लिए कांग्रेस मैदान में उतारा है और हम लोग कांग्रेस को ही मजबूत करने का काम करेंगे। अगर हमें यहाँ धामपुर विधानसभा सीट से जनता मौका देती है तो हम विकास की बात करेंगे। हम ना जाति की, ना बिरादरी की, ना किसी चीज़ की बात करेंगे।